नमस्कार, सच कहूं पंजाबी न्यूज़ बुलेटिन में तुहाडा सारां दा बहुत बहुत स्वागत है। नज़र पाउंदे देश दुनिया की टॉप 10 खबरां ते। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर राम मंदिर को सजाया संवारिया जा रहा है। सोमवार को राम जन्म भूमि ट्रस्ट ने राम मंदिर परिसर की नवी तस्वीर साझा की। इन्हों में राम मंदिर की भव्यता और सुंदरता दिखाई दे रही। श्री राम जन्म भूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहे जानकारी। साबका क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी डी फेक का शिकार हो गया। उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया से तेजी हो रहा वायरल, जिस स्काईवर्ड एविएटर कैस्ट गेमिंग ऐप के प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद सचिन ने सोशल मीडिया से इस वीडियो को पोस्ट करके लिखा कि वीडियो नकली है, तुहाडे नाल धोखा हो रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट में एक पैसेंजर ने पायलट को जड़िया थप्पड़। पैसेंजर उड़ान में 13 घंटे तो देरी तो नाराज सी। घटना दिल्ली तो गोवा जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट की है। इसनों सवेरे 7:40 से उड़ना सी, जो संघनी धुंध के कारण लेट हुई। घटना का वीडियो हम तेजी नाल हो रहा वायरल। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने 68वें जन्मदिन मौके किया वड्डा ऐलान। उन्होंने साफ कर दिया कि साल 2024 का चोन बसपा अपने दम से लड़ेगी, किसी गठजोड़ या पार्टी के नाल गठबंधन नहीं करेगी। यानी बसपा के इंडिया गठजोड़ के शामिल होने की कयासबाजी से विराम लग गया। उन्होंने कहा है कि गठजोड़ तो फायदा घट नुकसान ज्यादा होंदा है। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा सैरेमनी तो पहला 14 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदया। वेस्टर्न एक्टर ने मुंबई बेस्ट डेवलपर द हाउस ऑफ अभिनंदन लोडा के 7 स्टार मिक्स्ड यूज इनक्लेव दसूरिया में इन्वेस्ट किया। मिंट की एक रिपोर्ट की मनीय 51 एकड़ में फैले दसूरिया में अमिताभ बच्चन ने 10,000 स्क्वेयर फीट का फ्लैट खरीदया। हरियाणा में ठंड की वजह से सरकारी स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। शिक्षा विभाग ने 3 क्लास तक के बच्चों की छुट्टियां 20 जनवरी तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। 4th और 5th के बच्चों की छुट्टियों को लेकर डीसी अपने पद्धर से लेंगे फैसला। 6वीं से 12वीं तक के बच्चों को कल तो नियमित स्कूल आना होगा। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन हरियाणा में ड्राई डे रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि सूबे में शराब के ठेके उस दिन रहेंगे बंद। इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा के वक्त स्कूलों में 2 घंटे के लिए प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। उसे सोमवार को गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला के शिव मंदिर में लाया पोचा। पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीथेर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने उन्होंने खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत द्वारा गैर जमानती वारंट रद्द कर दिए हैं। मीथेर के खिलाफ चंडीगढ़ में 24 अक्टूबर साल 2020 को आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज हुई सी एफआईआर। एक केस उस समय दर्ज हुआ जब वो आप समर्थकों के साथ चंडीगढ़ भाजपा ऑफिस में धरने पर बैठ गए सन। साबका क्रिकेटर ते आम आदमी पार्टी के पंजाब तो राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और देशवासियों अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं दी हैं। सांसद हरभजन सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने रामलला तो मुलाकात का इंतजार है। बहुजन समाज पार्टी की मुखी मायावती द्वारा पूरे देश में कल्ले लोकसभा चोन लड़न का ऐलान करन दे नाल पंजाब की सियासत गरमा गई है। उत्थे इस साफ हो गया कि पंजाब विच हुण बसपा दे श्रोमणी अकाली दल तो भी राह अलग होगी। सूत्रों की मनीए तां काफ़ी समय तो दोनों दलों के रिश्ते सही नहीं चल रहे सन। हालांकि यह ऐलान अकाली दल के लिए झटके तो घट नहीं है। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। ज़्यादा खबरें देखने लई यूट्यूब पर टाइप करो सच कहूं पंजाबी चैनल।